छिंदवाड़ा जिले के चौरई विधानसभा स्टेडियम ग्राउंड चौरई में संयुक्त मोर्चा संघ ने पहली बार महासम्मेलन का आयोजन किया है। वक्ताओं ने कहा कि नई शुरुआत का मौका जब भी बनता है तब स्थिति खुद ब खुद निर्मित हो जाती है। इस बात की झलक चौरई नगर में रविवार को एसटी एससी ओबीसी वर्ग के तत्वावधान में आयोजित सम्मेलन में स्पष्ट दिखाई दी। मुख्यालय में हुए गैर राजनीतिक दल के इस तरह के कार्यक्रम की सफलता से कयास लगाया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में तीसरा दल मैदान में आ सकता है। महासम्मेलन का आगाज अवंतीबाई लोधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, अनुसूचित जनजाति के इष्ट बड़े देव की आराधना एवं दीप प्रज्वलित करने के साथ ही एक कार्यक्रम आरंभ हुआ। आदिवासी समुदाय की झलक गुन्नूर शाही ढोल नगर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। आदिवासी कला को बिखेरते हुए नृत्य और गाने ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। नन्हे बच्चों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। लोग जो कि छिंदवाड़ा जिले में आए, सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन छिंदवाड़ा की कुछ कुछ समस्याएं जिन्हों से मैं अवगत भी कराना चाहती हूँ। यहाँ पर औद्योगीकरण के नाम पर आदिवासियों से जमीनें लगातार छीने जा रही है, लगातार छीने जा रही है। यहाँ पे व्यापार नाम की कोई चीज नहीं है कि हमारे भाई बंधु, हमारे एसटी एबीसी ओबीसी एससी वर्ग के लोगों को कोई साधन दिया जाए, कोई संसाधन दिया जाए जिससे वो अपने खुद का जीवन यापन कर सके। आज यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्षेत्र की हैं, चौराही क्षेत्र की हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, क्षेत्र की हो, सिंचाई और नहर की जो व्यवस्थाएं हुई हैं पैसे के आवंटन को लेकर के, इस सारी चीज़ों पर आज ज्ञापन दिया गया है। और ये छिंदवाड़े जिले का पहला संयुक्त मोर्चा का यहाँ पर मंच का आगाज हुआ है, जो इसी कार्यक्रम में पूरे चौराही क्षेत्र के साथ साथ छिंदवाड़े जिले और पूरे मध्य प्रदेश में आगे की ओर बढ़ेगा संगठन के साथ। एनबीसी न्यूज़ के लिए गजानन बोरकर के साथ राजेश उइके की रिपोर्ट।